हाय गाइज, मैं शांतनु, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा डाउनलोड सूटेबल गूगल कैमरा ऐप फॉर एनी शाओमी डिवाइस। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप गूगल कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हो और आप इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐप क्रैश कर जाता है, या आप मॉडर्न कैमरा आप इंस्टॉल करते हो वो भी एक क्रैश कर जाता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कैमरा टू वीपीएन इनेबल करना है। अगर आपका नहीं इनेबल है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जहाँ से आप देख के इनेबल कर सकते हैं कैमरा टू वीपीएन कोई भी एंड्रॉइड या कोई भी शाओमी डिवाइस में। और ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड का भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सूटेबल डिवाइस के लिए स्टेबल आपका गूगल कैमरा का ऐप, जो कि मॉडर्न है या पोर्ट किया गया पिक्सल डिवाइस से। तो अगर आपके पास Asus Zenfone Max है तो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट में मिल जाएगा Asus Zenfone Max M1 Pro M1। तो उसके लिए अगर आपको गूगल कैमरा का मतलब Gmod डाउनलोड करना है, मतलब और अगर आपका कैमरा टू API एनेबलर भी करना है तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। और सभी जैसे कि Lenovo हुआ, Lenovo हुआ, और आपका जैसे भी सभी LG हुआ, सभी डिवाइस के लिए एनेबल है और सभी डिवाइस के लिए अवेलेबल भी है। और आप डायरेक्टली अनेबल भी कर सकते हैं कैमरा टू API। वीडियो का लिंक तो आपको नीचे मिल ही जाएगा। और सभी डिवाइस के लिए मतलब जो सूटेबल डिवाइस है उसी के लिए सूटेबल आपका मतलब स्टेबल वर्जन है आपका ऐप का गूगल कैमरा का, जहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप OnePlus डिवाइस है, OnePlus 6 के लिए अवेलेबल, OnePlus 5, 5T के लिए अवेलेबल है, तो सभी डिवाइस के लिए लाइन से अवेलेबल किया गया। और अगर आपके पास Xiaomi का डिवाइस है तो इसके लिए आपको सबसे नीचे जाना होगा। और अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो उसके लिए भी आपको डेफिनेटली अवेलेबल है। तो Xiaomi का डिवाइस के लिए अगर आपके पास Mi A1 है तो आपको उसमें मतलब चार कैमरा मिल जाएगा जो आपको यूज़ करना है। अगर आपको टेलीफोटो लेंस यूज़ करना है तो उसके लिए मिल जाएगा। और अगर एयर स्टिकर यूज़ करना है Mi 5 S के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो कैमरा शूट कर रहा है आपके लिए, और इसके लिए आपको कैमरा टेपी एनेबल होना जरूरी है, तो ये होगा Mi 6, Mi 8, Mi Mix 2 S, Mi Mix, और आपका बहुत सारे डिवाइस के लिए Mi Note 3, Mi Note 3S, और आपका Redmi 4, Redmi 4X या नोट सभी के लिए अवेलेबल है 3, और आपका Redmi Note 5 Pro के लिए अवेलेबल है, जो कि एक ही डिवाइस मतलब एक ही कैमरा ऐप है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप डायरेक्टली टैप कर दीजिए, आपका डाउनलोड होने लगेगा, और डाउनलोड होने के बाद आपका इंस्टॉल कर लीजिए और आपका डायरेक्टली अनेबल हो जाएगा सब कुछ। पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, लेंस ब्लर शायद होना चाहिए, पर आपके पास सबसे स्टेबल कैमरा गूगल कैमरा का ऐप आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको डाउनलोड करना है सभी का, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। देखिए जैसे कि आपको शो मोर कर दीजिए, तो शो फुल पोस्ट अगर कीजिएगा तो आपको पूरा देखें मतलब पूरा फुल में शो हो जाएगा। और जैसे आप ऐप में क्लिक कीजिएगा आपका डाउनलोड नेक्स्ट पेज खोलेगा गूगल ड्राइव का, और आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मेन चीज़ चाहिए कि आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट एनेबल कर सकते हैं कैमरा टू API। और आप गूगल कैमरा का मतलब ये जितना भी सूटेबल डिवाइस के लिए स्टेबल वर्जन है गूगल कैमरा का, पोर्ट का मतलब जो भी मतलब आपका होगा Gcam या बहुत सारा नाम के साथ आता है, उसके लिए सूटेबल डिवाइस के लिए स्टेबल वर्जन गूगल कैमरा डायरेक्टली आप डाउनलोड में टैप कर दीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप स्टेबल मतलब इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपको बेस्ट गूगल कैमरा का ऐप मिल जाएगा, जिससे कि आपका मतलब डिवाइस क्रैश नहीं होगा आपका गूगल कैमरा, और आप अच्छा से मतलब यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इधर चैनल सब्सक्राइब नहीं जल्दी कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमसे नोटिफाइड रहे मेरे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलन स्टूडेंट, टिल देन बाय।